उत्तर प्रदेश फतेहपुर विकास भवन के सामने ग्राम पंचायत अधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर इतनी भीषण गर्मी में जमकर हंगामा किया। प्रदर्शनकारियों की माने तो ट्रिपल सी प्रमाण पत्र के स्थान पर ओ लेवल प्रमाण पत्र लागू करने की मांग की गई। साथ ही प्रारंभिक मानदेय 2000 रुपए से बढ़ाकर 2800 रुपए करने की मांग भी की गई। वहीं इन लोगों का कहना है कि यदि सरकार हमारी ये मांगे नहीं मानती है तो ये धरना प्रदर्शनों को तेज कर दिया जाएगा और इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। 3 सूत्री मांगे हैं जो सरकार से हमारे कार्यक्रम पिछले 1.5 माह से बराबर सरकार प्रदेश कार्यकारिणी द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार पूरे प्रदेश में एक साथ चल रहे हैं। हमारी 3 सूत्री मांगे हैं, हमारी शैक्षिक योग्यता बढ़ाई जाए, इंटर की जगह ग्रेजुएशन और सीसी डिग्री की जगह ओ लेवल का प्रमाण पत्र के साथ हमारी योग्यता बढ़ाई जाए। दूसरी मांग हमारी है, हमारा 2000 ग्रेड पे की जगह 2800 ग्रेड पे नियुक्त किया जाए। तीसरी मांग हमारी है, 10, 16, 26 तीन जो प्रोन्नत मिलते हैं अगर पद पे अगले प्रमोशन पे नहीं मिलता तो हमें प्रोन्नत वेतन मान दिया जाए। ये 3 मांगें हमारी सरकार से विगत 1.5 माह से हमारे कार्यक्रम हम लोगों ने काली पट्टी बांध कर एक हफ्ते का कार्य, उसके बाद हमने 3 दिन का सामूहिक अवकाश लिया। अवकाश लेने के बाद भी सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी। आज 2 जून को पूरे प्रदेश पर प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर हर जनपद के विकास भवन में हमारा उपवास कार्यक्रम आयोजित किया गया। अगर सरकार आज भी हमारी बातों को गौर नहीं करती है तो 5 जून को हमारे प्रदेश के दोनों संगठनों के ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी संगठनों के प्रदेश अध्यक्ष आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। यह सरकार ने 5 जून को भी हमारी इस मांग पर हमारे प्रदेश अध्यक्षों के आमरण अनशन पर बैठने के बाद दूसरी बात नहीं मानी तो 6 जून को पूरे प्रदेश में ग्राम पंचायत एवं ग्राम विकास अधिकारी जो सचिव के रूप में भूमिका अदा कर रहे हैं वो अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर चले जाएंगे। रखी है ये हमारे हित में है और इसके लिए हम अपनी पूरी निष्ठा के साथ लड़ेंगे और हम अपनी मांगे मनवा कर रहेंगे। ये हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए, इसके लिए जो भी हमें करना पड़ेगा हम करेंगे। बहरहाल अब देखना यही होगा कि आखिरकार सरकार इन लोगों की मांगे मानती है या नहीं, या फिर ये लोग यूं ही इस तरह धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। सिटी न्यूज दिल्ली संवाददाता फतेहपुर से बबलू सिंह की रिपोर्ट।